You know, जब bell ring हुई है ना तो I have goosebumps. To be very honest, मुझे it took me back to school years back and yes to school. और ये बड़ी अजीब सी feeling होती है जब आप खुद stage पर आके कोई ऐसा काम करते हैं तो ये जो घंटी की आवाज होती है ना ये बड़ी important होती है. 20 बरस पहले का आप किस्सा सुनिए. 6 कारोबारी शख्सियत ने सोचा कि drawing roomों में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करने से पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये लोग फिर अमली मैदान में निकले. बिल्कुल जी, ये लोग अमली प्रैक्टिकल लाइफ में निकले और उन्होंने द सिटीजंस फाउंडेशन की बुनियाद रखी. टारगेट उनका ये था कि 1000 स्कूल बनाने हैं. बस फिर क्या था, ये लोग अपने मकसद में जीत गए. बिल्कुल उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया और 2015 तक उन्होंने 1000 स्कूल जो सोचा हुआ था वो बना लिए, बल्कि उससे ज्यादा ही बना लिए और उन्होंने मकसद वो हासिल कर लिया. आप गई इनसे मुलाकात? बिल्कुल जी, मैं इनसे मिलने गई और क्या मैं अमेज हो गई भाई, ये क्या सिस्टम चला रहे हैं. पूरे पाकिस्तान में इनके स्कूल फैले हुए हैं. TCF की हम बात करें, देखिए मेरी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई. सिटीजंस फाउंडेशन के बारे में अभी आपको ब्रीफली सिर्फ बताया है, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको सिटीजंस फाउंडेशन के फाउंडर्स से मिलाया जाए. सो हियर आई एम विद वन ऑफ द फाउंडर्स. मुश्ताक छापरा साहब मेरे साथ हैं. थैंक यू सो मच. और मैं ये बिल्डिंग देख के आई एम इन ऑ. स्टार्ट ही इस बात से करूँगी, बहुत दुनिया है सोचती है कुछ करने के लिए, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स के बारे में दिल साफ होता है, करना चाहते हैं. देखिए आपने और आपके साथियों ने कर दिखाया. पाकिस्तान में एक बड़ा एक मशगला जो है बड़ा मशहूर है कि ड्राइंग रूम्स में बैठ के और हम सब दुनिया और पाकिस्तान के मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके हल भी हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन सुबह तक हम भूल जाते हैं कि हम भी इस शोबे में मुलविस थे या इन्वॉल्व थे. टिल वन डे वी सेट के हम कुछ इसके बारे में करें या वी शुड शट अप. हमने कहा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन. आज से 21 साल पहले आपने ये डिसाइड कर लिया था कि स्कूल 1000 और मोर. वी हैव स्पेशलिस्ट लुकिंग आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन, वी स्टक टू दैट. 1000 स्कूल 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का हद हमने क्रॉस कर. दैट इज अमेजिंग. जरा अंदर से भी देख लेते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह चलता है. देखिए ये भी 21 साल पहले फैसला हो चुका था कि खुददारी या सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं होने देंगे. तो हमने क्या कहा कि 10 रुपया इनके फैमिली जो है वो देगी फॉर द एजुकेशन. आपको देख के तो मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों को जुनूनी होना चाहिए. मुझे जरा बाकी अपने जुनूनी दोस्तों से जरा मिलाएं. हमारे फाउंडर हैं मेरे साथी एहसान सलीम. सवाल है जो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ चैलेंजेस के हवाले से. तो बड़ा आसानी से चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने लोगों को कहा कि हम ये TCF स्कूल सेटअप करें हमें पैसे. अगर आप 10 साल प्लानिंग करें तो उसके बाद हर चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है, मगर हम तो टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं ना एज ए कंट्री. तो हमने कहा कि यार प्लानिंग साथ साथ होगी, मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि हम जिसके पास भी गए उसने हमारा हाथ पकड़ा है, उसने कहा कि विल डू इट करेंगे. हम बात भी चलते हैं. जो सड़क पे लोग घूम रहे हैं बच्चे, उनकी आंखें देखें फिर अंदर आए तो वो एक इंस्टेंट रिवॉर्ड है. इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं है. एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी नीड टू टैप इनटू. लेकिन आप मुझे अपने और साथियों से तो मिलाएं. अतीत साहब हैं हमारे, करेंटली ही इज द चेयर. Awesome. चले, वी हैव रीच्ड द राइट पर्सन. तो अब हम जरा आपसे भी बातें कर लेंगे. एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कि मैंने हर क्लास में देखा है बच्चियाँ और बच्चे, लड़के लड़कियों की बड़ी इक्वल डिवीज़न है और बड़े अच्छे तरीके से सारे बैठे, विच इज़ क्वाइट अनयूजुअल. ये मॉडल आपने किस तरह इस सिस्टम में फिट किया? हमारा सब लिमिनल तरीका है कि जब वो एक ही जमात में होंगी और लड़का देखता है कि ये लड़की मुझसे ज़्यादा होशियार है. वैसे आमतौर पर लड़कियाँ ज़्यादा होशियार. हमारे लिए उसका फ़ायदा ये है कि फिर लड़कों को लड़कियों को इक्वल फुटिंग पे देखना, उनसे सीखना, उनसे समझना, तो इससे माशरे में बैलेंस बड़ा अच्छा बैलेंस. मुझे कोई नाम ले दो चार कि आप लोगों के बच्चे क्या क्या कहाँ कहाँ पहुँचे. देखिए एक बच्ची है जो यहाँ एक अच्छे गोठ में रहती थी कराची से काफ़ी दूर, वो लम्स में पढ़ रही है अभी. वो 6 महीने का उसने एक कोर्स किया अमेरिका ऑन अ स्कॉलरशिप एंड शी एड्रेस्ड अ गैदरिंग इन इंग्लिश. और उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे कमा के और 5 स्कूल बनाऊँ इनकी याद में. एक तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब ये सोचिए ये बच्ची है जो कच्चे गोट से निकली है. जी, दिस इज हाउ सॉफ्ट रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हिटिंग एजेंडा.